से हट जाए तो पॉइंट डिफेक्ट क्रिएट हो जाए। दूसरा डिफेक्ट है लाइन डिफेक्ट। अगर एटम लाइन से हट जाए थोड़े से जगह पे तो उसको हम लाइन डिफेक्ट कहेंगे, और अगर पूरा का पूरा प्लेन हट जाए तो हम उसको प्लेट डिफेक्ट कहेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था कि अगर दीवार में से ब्रिक्स को निकाल दें तो वहां छेद हो जाएगा, और छेद हो जाएगा तो उस डिफेक्ट को हम पॉइंट डिफेक्ट कहेंगे। अगर हम एक लाइन के एटम को हटा दें तो लाइन डिफेक्ट हो जाएगा, और अगर किसी कमरे के पूरे दीवार को ही गिरा दे तो प्लेन डिफेक्ट। हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट कोर्स, बाकी तीनों डिफेक्ट कोर्स में नहीं है। तो मैं इन दोनों डिफेक्ट्स को हटा रहा हूं और पॉइंट डिफेक्ट को डिस्कस कर। जो पॉइंट डिफेक्ट है वो टू टाइप्स के होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट टू टाइप्स के कौन से होते हैं? एक होता है स्टोइकोमेट्रिक, और जो दूसरा डिफेक्ट है वो है नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ठीक है ना, तो इसको हम कहेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और ये है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। इन दोनों डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है कि इसमें कैटायन और एनायन का रेशियो हमेशा सिमिलर रहता है, जबकि नॉन स्टोइकोमेट्रिक में कैटायन और एनायन का रेशियो सिमिलर नहीं रहेगा। तो हम पहले पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक, तो मैं इसको समझाता हूं कि रेशियो कैसे सेम रहेगा। एक क्लासरूम है जिसमें 10 लड़के हैं और 10 ही लड़कियां हैं, तो लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना हो जाएगा? 1। तो स्टोइकोमेट्रिक में रेशियो जैसे 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात जो एनसीईआरटी में दी हुई है कि देखते हैं हम इसको यहां पर, ये एक एटम था, दूसरा भी एटम, तीसरा, फोर्थ एटम। अगर यहां से हमने एक एटम को हटा दिया परमानेंट तो ये वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो कुछ जो भी डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं वो या तो वैकेंसी डिफेक्ट होगा या इंटरस्टिशियल। और दूसरा डिफेक्ट क्या समझाया हुआ है कि ये नॉर्मल एटम थे, एक एक्स्ट्रा एटम बीच में आ गया, एक एक्स्ट्रा एटम बीच में आ गया तो हम इसको कहेंगे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का मींस है कोई एटम इंटर स्पेस में एंटर कर जाए, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में यहां से एक एटम क्रिस्टल से ही बाहर चला जाएगा, जबकि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में कोई एक एटम अपनी नॉर्मल पॉइंट से हटकर बीच में आए। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है ना, और वो कौन कौन से होते हैं ये दो, एक का नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरे का नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, तो मैं आपको समझाता हूं फ्रैंकल क्या होता है। देखो यहां एक कैटायन रखा हुआ था, यहां एनायन, यहां कैटायन, ठीक है ना, यहां एनायन, यहां कैटायन, ठीक है, यहां कैटायन, यहां पर कैटायन, एनायन, कैटायन। सर आपकी वीडियो ब्लर हो रही है सर। यार आज नेट का चक्कर लग रहा है, और हम कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना, चेक कर लेते। वाला वीडियो करियो। अरे विवेक शर्मा कौन पिन कर बेटा उसे, अब सही आ रही है। अरे कौन लक्ष्य आ गया, ठीक है तो बेटा उस वीडियो को पिन कर दे, इस वाले वहां पे राइट क्लिक करके पिन हो जाता। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होगा, क्योंकि कैटायन का साइज छोटा है,
तो कैटायन क्या करता है, अपनी साइज अपनी नॉर्मल पोजीशन से हटता है, जैसे यहां से कैटायन हटा और ये इंटर स्पेस में आ जाएगा और इसकी जगह कैसे हो जाएगी खाली। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि क्लास में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां, ठीक है ना। लड़का कैटायन है और लड़की एनायन। तो कैटायन का मीन्स लड़का अपनी जगह से उठा और किसी सीट के नीचे घुस गया, किसी सीट के नीचे घुस गया, तो फ्रेंकल डिफेक्ट, ठीक है ना। तो फ्रेंकल डिफेक्ट की डेफिनेशन क्या होगी, वैन इन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक का कंपाउंड का मतलब हम NaCl से समझ लेते हैं। वैन इन आयोनिक कंपाउंड कैटायन डिस्प्लेस इनटू इंटर स्पेस फ्रॉम इट्स नॉर्मल साइट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज क्रिएट, ठीक है। अब हम चलते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट को समझने के लिए। ये कैटायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये कैटायन है, ये कैटायन है, ये एनायन, ओके। तो शॉर्ट के डिफेक्ट को कैसे समझेंगे कि क्लास में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां, ठीक है ना। तो एक लड़का और एक लड़की क्लास से बाहर चले गए मतलब ये क्रिस्टल से ही बाहर चले गए, तो यहां पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, जबकि फ्रेंकल में इंटरस्टिशियल इफेक्ट डेवलप हुआ। अब आप देख सकते हैं जब एक लड़का और एक लड़की बाहर चले गए तो क्लास में लड़के और लड़कियों का रेशियो बन रहा, जबकि इस वाले केस में भी देख सकते हैं आप रेशियो बन रहा, लड़का क्लास से बाहर नहीं गया है, सिर्फ उसने अपनी पोजीशन चेंज करके इंटर स्पेस में चला गया। तो हमने यहां पर क्या सीखा, फ्रेंकल में व्हेन कैटायन मूव इनटू इंटर स्पेस ऑफ क्रिस्टल, इंटर स्पेस ऑफ क्रिस्टल फ्रेंकल डिफेक्ट क्रिएट। शॉर्टकी में हमने सीखा व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आर लॉस्ट फ्रॉम लैटिस साइट, मतलब एक एक फिक्स नहीं है, कितने भी जा सकते हैं, दो लड़के दो लड़कियां जा सकते हैं, तीन भी जा सकते हैं, पर रेशियो सेम रहता है। तो हमने यहां पर सीख लिया है कि फ्रेंकल में कैटायन इंटर स्पेस में जाएगा और शॉर्टकी में इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन बाहर चले जाएंगे। अब हम देखेंगे फ्रेंकल कब होगा और शॉर्टकी कब होगा। फ्रेंकल डिफेक्ट कब होगा, जब कोऑर्डिनेशन नंबर 3 या 4 होगी, ठीक है ना। तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर B2O3 में होती है, मैंने कल ही वीडियो पोस्ट किया है तो आप उसको देख सकते हैं, और 4 होती है जिंक सल्फाइड। ये तब होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 8 होगी। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का इंपॉर्टेंट कंपाउंड NaCl है और 8 का इंपॉर्टेंट कंपाउंड सीज़ेफ्लो। तो फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कम होनी चाहिए और शॉर्ट के डिफेक्ट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हायर होनी चाहिए, ओके। अब हम चलते हैं आगे फ्रेंकल डिफेक्ट के लिए। आप देख सकते हैं कैटायन कब आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव वालों बच्चों के लिए। फ्रेंकल डिफेक्ट तब होगा जब कैटायन का साइज छोटा और एनायन का साइज बड़ा हो, जबकि शॉर्ट के डिफेक्ट तब होगा जब दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल। अगर कैटायन और एनायन के साइज में लार्ज डिफरेंस है, ठीक है ना, तो फ्रेंकल डिफेक्ट होगा, और अगर कैटायन और एनायन के साइज ऑलमोस्ट इक्वल है तो हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है और आ सकता है। अब ध्यान से देखना, क्योंकि कैटायन क्रिस्टल से बाहर नहीं गया है तो मास में कोई चेंज नहीं होगा और क्रिस्टल का वॉल्यूम भी कोई चेंज नहीं होगा, तो डेंसिटी सेम रहेगी। फ्रेंकल में डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ है, ठीक है। जबकि आप इसमें देख सकते हैं इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन क्रिस्टल से बाहर जाएंगे तो क्रिस्टल का मास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, और मास लेस हो जाएगा तो आप देख सकते हैं डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी,
अगर आप कोई भी बुक खोल कर देखोगे तो उसमें कई जगह ये क्वेश्चन मिलेगा, इन ए क्रिस्टल डेंसिटी डिक्रीजेस डिफेक्ट इज शॉर्ट की, ए क्रिस्टल इन विच डेंसिटी रिमेन्स द सेम फ्रैंकल डिफेक्ट। और लास्ट सिमिलर पॉइंट्स है, क्या सिमिलर पॉइंट्स है, दोनों में ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीन्स है उनकी कंडक्टिंग पावर इंक्रीज करती है। ये ट्वेल्थ क्लास में सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है कि फ्रैंकल और शॉर्ट के डिफेक्ट में डिफरेंस लिखो। ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट था जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम था। अब हम चलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की। ओके, तो मैंने यहां से डिफेक्ट हटा दिया। एक लास्ट पॉइंट और डिस्कस करना रह गई कि फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है और शॉर्ट की डिफेक्ट वैकेंसी डिफेक्ट, क्यों कि टेन एन नाइन बाहर जाकर वैकेंसी क्रिएट कर रहे हैं, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन इंटरस्पेस में जा रहा है। तो यहां तो देखो इंटरस्टिशियल हो गया और इस जगह वैकेंसी डिफेक्ट हो गया। तो फ्रैंकल दोनों टाइप का डिफेक्ट है, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल, जबकि शॉर्ट की सिर्फ और सिर्फ वैकेंसी। अब हम चलेंगे नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट की तरफ। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब हुआ कि जिसमें कैटायन और एनायन का रेशियो सेम नहीं होगा। ये दोनों रेशियो सेम नहीं होंगे, मतलब कैटायन और एनायन का रेशियो बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है, ठीक है। इसके तीन टाइप हैं। तो पहला टाइप हम देख रहे हैं कौन सा, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट के नाम से ही हमको पता लगता है कि इस डिफेक्ट में मेटल ज्यादा हो जाएगी। क्या ज्यादा हो जाएगी, मेटल ज्यादा हो जाएगी। अब मेटल कैसे ज्यादा होगी हम देखें। इसका एक एग्जांपल है ZnO क्रिस्टल। ZnO क्रिस्टल का कलर व्हाइट होता है, इसको फिलोसफर बूल कहते हैं। ZnO को फिलोसफर बूल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका कलर व्हाइट। इसको चाइनीज पॉलिश भी कहते हैं। हमने घर में जो व्हाइट कलर की क्रॉकरी देखी है, कप देखे हैं, उसकी जो पॉलिश होती है वो ZnO से कर। जब हम ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं, ठीक है ना, जब हम ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ZnO क्रिस्टल टूट जाता है और टूटकर Zn+2 दो इलेक्ट्रॉन बनाता है और ऑक्सीजन। अब सब बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन कैसी है, गैस। ऑक्सीजन गैस है तो ये क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगी, क्रिस्टल में से बाहर निकल जाएगी और तो क्रिस्टल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, और किसी के अंदर भी अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वो कलरफुल हो जाता है। तो जैसे ही हम इसको हीट करते हैं इसका कलर येलो हो जाता। तो अगर हमारे घर में कोई पुरानी क्रॉकरी है तो उसका कलर टाइम टू टाइम येलो पड़ जाता है, और हम ऐसा बोलते हैं कि ढंग से सफाई नहीं करी इसलिए सफेद हो रहा। नहीं, वो मेटल एक्सिस डिफेक्ट के वजह से सफेद होता। अब हमने अगर इसको कूल किया, तो ये येलो कलर वापस से व्हाइट हो जाए, ठीक है। अब देखना ध्यान से, मैं क्रिस्टल बता, ये ZnO था, ये ऑक्सीजन, ZnO ऑक्सीजन, ZnO ऑक्सीजन। तो जैसे ही हम इसको हीट करेंगे, हीट करते ही ऑक्सीजन बाहर चला जाएगा। एक ज्ञान की बात यह है कि ऑक्सीजन हमेशा या एनायन हमेशा लैटिस बनाता है और कैटायन वॉइड में होता है। तो जैसे ही ऑक्सीजन वाला एटम क्रिस्टल से बाहर जाएगा, इसके एडजेसेंट कैटायन की वैकेंसी या वॉइड खत्म हो जाएगी और जिंक यहां इंटर स्पेस में चला जाए और इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटर स्पेस में चला जाए। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ZnO का क्रिस्टल येलोइश कलर दिखाएगा।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, विच डिफेक्ट अराइज ऑन हीटिंग ऑफ क्रिस्टल. व्हेन ZnO क्रिस्टल अंडरगोज हीटिंग इट प्रोड्यूस मेटल एक्सिस डिफेक्ट. ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्यूस कलर एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर. जब हम ZnO क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये येलोइश और पैरामैग्नेटिक हो जाता है. क्यों हो जाता है पैरामैग्नेटिक? क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है. अब हम चले फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से, अब हम इसका दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं मेटल एक्सिस का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आप ऐसे सोच सकते हो कि आपके बोर्ड में हर साल ए और बी में से एक क्वेश्चन हर साल आ. तो बी है हमारा एफ सेंटर और कॉम्पिट एफ सेंटर. एफ का ग्रीक में मतलब होता है फार्व, एफ आर वी, और फार्व का मींस होता है कलर, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर. तो एफ कैसा सेंटर हो गया? एफ हो गया कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर. इस एफ सेंटर की वजह से NaCl क्रिस्टल, इस एफ सेंटर की वजह से NaCl क्रिस्टल येलो हो जाता है. कैसा हो जाता है? येलो. येलो. तो कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार कि NaCl का क्रिस्टल येलो क्यों होता है. तो आंसर क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन एफ सेंटर की वजह से. फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, अभी देखते हैं, ठीक है ना, एफ सेंटर की वजह से या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से. अब मैं इस एफ सेंटर डिफेक्ट को समझाता हूं आप. तो हम देखते हैं एफ सेंटर डिफेक्ट. ये एक NaCl या आयोनिक सॉलिड का आयोनिक सॉलिड क्रिस्टल था जिसमें एक कैटायन के साथ में एक एनायन आराम से बैठा हुआ. हमने क्या किया, इस NaCl के सरफेस पर सोडियम को कंडेंस किया. सोडियम के गैस को क्या किया? कंडेंस किया. जब हमने सोडियम को कंडेंस किया तो सोडियम का आयोनाइजेशन हो जाएगा. सोडियम के आयोनाइजेशन से सोडियम आयन बना और फ्री इलेक्ट्रॉन बना. क्योंकि NaCl क्रिस्टल की कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होती है इसलिए ये जो Cl था ये तो बाहर चला जाएगा क्योंकि Na इसको अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी जगह आ जाएगी. ऐसा क्यों हुआ? क्रिस्टल का एक इंपॉर्टेंट रोल है. क्रिस्टल का एक इंपॉर्टेंट रोल क्या है? क्रिस्टल कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिवली चार्ज नहीं हो सकता. अगर जैसे ही उसमें चार्ज डेवलप होगा किसी भी मेथड से उसका चार्ज बैलेंस हो जाए. तो आप देख सकते हैं यहां पर फाइनली क्या हुआ, Na अपनी जगह पर है, ये Cl अपनी जगह पर है, ये Na भी अपनी जगह पर. इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ और जहां पर ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा उस जगह को ही एफ सेंटर कहते हैं. अभी अभी किसी बच्चे ने बताया था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर दिखाएगा, जो एब्सोल्युटली करेक्ट था. तो एफ सेंटर क्या है? जहां पर वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाएगा उस जगह को एफ सेंटर कहेंगे. और इस एफ सेंटर डिफेक्ट की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन डिफेक्ट की वजह से NaCl येलो हो जाता है, LiCl रेड हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड वायलेट हो जाता है. मोस्टली क्वेश्चन NaCl पर ही पूछा हुआ है. मोस्टली क्वेश्चन NaCl पर ही पूछा हुआ है कि NaCl येलो क्यों होता है. तो इसके दो आंसर हैं, ड्यू टू एफ सेंटर डिफेक्ट और एक उस बच्चे ने बताया था ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या फिर 12th बोर्ड में पूरा ही लिखने को आ जाता है कि एफ सेंटर पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिखो. तो हम कैसे शॉर्ट नोट लिखेंगे, ध्यान से सुनना. वेन सोडियम मेटल condensed over NaCl surface, sodium ionized, ठीक है ना. So Cl atom escape from the lattice,
escape from the lattice and a electron trap in anion hole. Electron trap in anion hole, which is known as F center and responsible for its क्योंकि यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है सीएल के जाने से, यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसलिए हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी कहेंगे, ठीक है ना। तो एफ सेंटर हमारा वैलेंसी डिफेक्ट। अब मैं चलूंगा इसके दूसरे पार्ट की तरफ। ये थी मेटल एक्सिस, अब हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफेंसी डिफेक्ट में लिखने को कुछ नहीं आता, ठीक है ना, यहां समझने का मामला है। तो अब समझना, कई बच्चे क्या है, रटने वाली चीज को तो समझने की कोशिश करते हैं और समझने वाली चीज को रटने की कोशिश, तो अब ये समझने वाला मामला है। पहली बात, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहाँ होगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में बेसिकली मिलता है। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में ही क्यों मिलता है? क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। वेरिएबल का मींस होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन को जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे आयरन 2 से 3 में भी जा सकता है और 0 में भी जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको तो कॉम्पिटिटिव के लिए क्वेश्चन बन गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट कहां मिलेगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ट्रांजिशन और लेंथेनाइड एक्टिनाइड के ऑक्साइड्स में मिलेगा, ठीक है ना। अब मैं एक डायग्राम की हेल्प से इसको समझा रहा हूं, ऐसा कोई डायग्राम किसी किताब में नहीं है, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कहां से आ गया, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए ये बना रहा हूं। हमने आयरन ऑक्साइड बनाया, ठीक है ना, और आयरन ऑक्साइड में आप देख सकते हैं एक आयरन एक ऑक्साइड, एक आयरन एक ऑक्साइड, एक आयरन एक ऑक्साइड। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लाइन बताई थी कि मेटल में चार्ज हमेशा इक्वल होगा, तो आप देख सकते हैं टोटल चार्ज कितना है 6 और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -6, ठीक है। तो क्रिस्टल न्यूट्रल है, किसी भी फैक्टर की वजह से, फिजिकल केमिकल या कोई और फैक्टर की वजह से क्रिस्टल में से एक आयरन बाहर चला गया, एक आयरन बाहर चला गया तो आप देख सकते हैं आयरन वाली जगह खाली हो जाए, आयरन वाली जगह खाली हो जाए, ठीक है। आयरन वाली जगह खाली हो जाएगी और ये +2 और ये भी कैसा प्लस, कोई बता सकता है टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? +4 है और माइनस चार्ज -6। तो क्रिस्टल का रूल क्या है? क्रिस्टल का रूल है कि चार्ज डिफरेंस नहीं हो सकता, तो ये +4 6 में कैसे बदल सकता है, कैसे बदल सकता है? ये जो आयरन था इसने अपनी ऑक्सीडेशन नंबर को 2 से बढ़ाकर कितना कर लिया, 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया। इसने भी कितना कर लिया, 3 कर लिया, ओके। तो अब टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, टोटल पॉजिटिव चार्ज 6 हो गया। एक सेकेंड है ना, तो क्रिस्टल न्यूट्रल हो गया। अब ध्यान से देखना, मैं इसको ऊपर वाले को हटा रहा हूं। तो जब हमने FeO क्रिस्टल को गर्म किया तो FeO क्रिस्टल का कुछ पार्ट Fe2O3 में बदल गया, 2 Fe 3 ऑक्सीजन प्लस पहले से ही FeO था, तो टोटल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Fe3O4। अगर आप आयरन की मेटलर्जी पढ़ेंगे, आयरन की मेटलर्जी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हम FeO को रिड्यूस करते हैं तो पहले Fe3O4 बनता है, जो ऐसे बनता है। Fe3O4 का मतलब है इन दोनों का मिक्सचर है, क्योंकि इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट 8/3 है। कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए है कि अगर किसी मेटल ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाए,
अगर फ्रैक्शन में आ जाए तो आप समझ जाओ, अगर मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में आ जाए तो आप समझ जाओ ये मिक्स्ड ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड? मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। ओके, तो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हमने पढ़ लिया है। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में होगा। क्यों होगा? क्योंकि ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड में मेटल ट्रांजिशन मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकता है। अब इसका सी पार्ट है आयोनिक कंपाउंड में डिफेक्ट, आयोनिक डिफेक्ट। आयोनिक डिफेक्ट भी समझने वाला टॉपिक है, इसमें लिखने को कुछ नहीं आता, ना आज तक आया है ना आएगा। ठीक है ना, तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं और मानता हूं कि आपको आ ही जाएगा। एक सोडियम है, एक सोडियम, एक सीएल है और एक सीएल। ओके, हमने क्या किया, इसमें कोई डाइवेलेंट एटम डाल दिया, जैसे स्ट्रॉन्शियम और कैडमियम, कोई भी डाल सकते हैं, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट। तो आप ध्यान से देखना, जब स्ट्रॉन्शियम हमने इसके अंदर डाला तो एक स्ट्रॉन्शियम कितने सोडियम को रिप्लेस कर देगा? एक स्ट्रॉन्शियम दो सोडियम को रिप्लेस कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी कितनी है? स्ट्रॉन्शियम की वैलेंसी 2 है, तो स्ट्रॉन्शियम ने दो सोडियम को रिप्लेस कर दिया और अकेले ही दोनों सीएल के चार्ज को बैलेंस कर दिया। तो ये वाली वैकेंसी कैटायन की वैकेंसी हो जाएगी। तो जब हमने एक स्ट्रॉन्शियम डाला तो बताओ कितनी कैटायन की वैकेंसी डेवलप हुई, कोई बता सकता है? एक स्ट्रॉन्शियम डालने एक ही हुई भैया, यही तो है बस वैकेंसी। एक स्ट्रॉन्शियम डालने से एक कैटायन वैकेंसी डेवलप हुई है, क्योंकि एक में तो खुद बैठ गया ना। तो अब ध्यान से देखना, जो पेपर में काम आएगा, ये नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, one SR+2 क्रिएट वन कैटायन वैकेंसी। कोई डाउट किसी को डाउट है? नो सर। अब अगर हम वन मोल SRCl+2 डाल दें, वन मोल, तो कितनी कैटायन वैकेंसी डेवलप हो जाएगी? Na हो जाएंगी ना, एक से एक होती है तो एक मोल से कितनी होंगी? Na, एक मोल Na। तो अब अगर पेपर में वो आपसे कहे कि x मोल डालने से कितनी कैटायन वैकेंसी डेवलप होगी, तो हम कैसे करेंगे? Na(XY)1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा Na(X)। एवोगाड्रो नंबर को उस x से मल्टीप्लाई कर। तो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन, जो 25 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो कहता है N^-3 मोल परसेंट स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड एड इन NaCl। हमने NaCl में इतने मोल स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड ऐड कर दिया, तो बताओ कैटायन वैकेंसीज कितनी होंगी? कैटायन वैकेंसीज कितनी होंगी? तो सबसे पहले तो हमें ये परसेंट हटाना पड़ेगा, परसेंट हटाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल कितने हो गए? मोल कितने हो गए? 10^5। कुछ बच्चे ये काम नहीं करेंगे तो वो गड़बड़ हो जाए। अब देखना ध्यान से इसका आगे वाला पार्ट। तो हमारे पास वन मोल से कितनी कैटायन वैकेंसीज डेवलप होती हैं? 6.0 × 10^23। 10^-5 से 10^-5 मोल से कितनी कैटायन वैकेंसीज डेवलप होंगी?
ठीक है ना, इंटू 10^-5 इज इक्वल टू 6.02 कैटायन वैकेंसी। अब एक बार नीट में क्वेश्चन आया और उसने क्या किया, इस जगह पर केवल 10^-4 मोल रख दिया, तो जिन बच्चों को रटा हुआ था वो डूब गए क्योंकि उन्होंने 100 से डिवाइड किया। ये 100 तभी करेंगे जब परसेंट होगा, अगर यहाँ पे 10^-4 रख देंगे तो ये 19 आंसर, तो कितना आंसर हो जाएगा, 19 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आयोनिक डिफेक्ट वाला पार्ट है ये समझने का है। आप जो जेई वगैरह पढ़ रहे हैं या कॉम्पिटेटिव का एग्जाम देंगे उनके लिए ध्यान से देखना, अभी तक हमने डाइवेलेंट डाला था और अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं वो डाइवेलेंट के ही आए हैं। तो जब डाइवेलेंट के क्वेश्चन आ चुके हैं तो अब एग्जाम में उससे हायर भी आ सकते, ठीक है ना। तो हम समझते हैं, अगर हमने ट्राइवेलेंट डाल दिया तो क्या हो? जैसे हमने एलुमिनियम डाल दिया, अगर एलुमिनियम डाल दिया तो एक एलुमिनियम कितने क्लोरीन को सेटिस्फाइड कर सकता है, कितने क्लोरीन को सेटिस्फाइड कर सकता है, 3 को। तो बताओ कितनी कैटायन वैकेंसीज डेवलप हो जाएंगी, 2 डेवलप हो, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक ट्राइवेलेंट नहीं आया है, सिर्फ डाइवेलेंट का ही आया है। तो ट्राइवेलेंट का क्वेश्चन आ सकता है, फिर जब ट्राइवेलेंट आ जाएगा, ठीक है ना, ट्राइवेलेंट आ जाएगा तो फिर वो डाइवेलेंट में ट्राइवेलेंट मिलाएगा, ऐसे क्वेश्चंस आगे बढ़, ठीक है ना। क्या है कि हम इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो वहां हमें खूब सारा माल डाल पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, हमारे दिमाग की एक लिमिट होती है और हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो बेसिकली ड्रॉपर ही होते हैं, सारे ड्रॉपर भी होते हैं और वो एलएन आकाश इनसे पढ़े हुए होते हैं। हम उनको ज्यादा नहीं पढ़ाते, अच्छा पढ़ाते। अच्छे का मतलब होता है कि किसी चीज में कंफ्यूजन नहीं होना, जिसको मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मैंने किसी को अपना लैपटॉप दे दिया और उससे कहा कि मेरे लैपटॉप में नोट्स निकाल लो, ठीक है ना, तो वो नहीं निकाल पाएगा। अब मैं उसको फोन पर गाइड करूं कैसे कि मेरे डेस्कटॉप पर एक केमिस्ट्री नाम का फोल्डर है, कि केमिस्ट्री नाम के फोल्डर को क्लिक कर, जैसे ही वो क्लिक करेगा तो उसमें 3 फोल्डर दिखेंगे, एक फिजिकल, एक इनॉर्गेनिक और एक और। अब हमें फिजिकल का फोल्डर चाहिए, ठीक है ना, फिजिकल। तो जैसे ही वो फिजिकल पे, मैं उसको कहूंगा फिजिकल पर क्लिक कर, फिजिकल पर क्लिक करते ही सारे फिजिकल के चैप्टर के फोल्डर आने लगे। अब हम पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट, ठीक है ना, तो सॉलिड स्टेट पे जैसे ही वो क्लिक करेगा फिर 2 फोल्डर खुल जाएंगे, एक में नोट्स है, नहीं, एक इंग्लिश और एक हिंदी। अब बच्चा अगर इंग्लिश का है तो मैं उसको कहूंगा इंग्लिश पे क्लिक कर, इंग्लिश में 2 फोल्डर होंगे, नोट्स और क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मैं नोट्स को कहूंगा तो अंदर जाके नोट। अब क्या है कि मेरे दिमाग में क्लियर रोड मैप बना हुआ है कि ऐसे करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर मैं सर्च में चला जाऊं तो, ठीक है ना, सर्च में जा तो सकता है पर सर्च करने में बहुत टाइम लगता है। सर्च करेगा वो केमिस्ट्री नाम के जितने फोल्डर इस कंप्यूटर में है सारे खोल के रख देगा। अब आप एक एक फोल्डर को क्लिक कर करके देखोगे। एग्जाम में ये नहीं चलता है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। तो एग्जाम में वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जिन के दिमाग में बिल्कुल एक क्लियर रोड मैप होता है, जहां कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं। और कंफ्यूजन की गुंजाइश है तो थोड़ी बहुत एंड में होती है, तो वो वहां पर 50-50 में चॉइस को निकाल लेते हैं, 2 चॉइस वो देखते ही खत्म कर देते हैं और बाकी 2 चॉइस अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो 50-50 करके वो उसको कर। तो हम एक क्वेश्चन और करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखा ये हमारा Fe2O3 है, ठीक है ना, और Fe2O3 में